बहुत ही दुखद हादसा हो गया है यहाँ NH 84 पे कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के नुआव गांव के समीप वाहन दुर्घटना हुई है। वाहन दुर्घटना में कुल 5 लोगों की मौत अब तक हो गई है, दर्जनों लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो लोग घायल हैं वो यहाँ स्थानीय VK ग्लोबल अस्पताल तथा सदर अस्पताल में भर्ती और इलाजरत हैं। बताया जा रहा है कि अभी भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें कि कुछ देर पूर्व, कुछ घंटों पूर्व बारात में शामिल होने के लिए जा रहे कुछ बाराती स्कॉर्पियो वाहन पर सवार होकर भोजपुर जिले के बिहियां जा रहे थे। इसी वक्त जो है नुआव गांव के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सामने से एक बस आ रही थी जिसमें कि स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई और इस टक्कर में तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में न सिर्फ स्कॉर्पियो सवार बल्कि बस सवार भी लोग हैं। बताया जा रहा है कि बस चालक के साथ साथ स्कॉर्पियो सवार कुल 5 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। हम अभी यहां चलेंगे और चल के बात करेंगे चिकित्सक से, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हादसा हुआ था, कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हो गई है। बहुत ही भयानक सब स्थिति है अभी जो है ना। एक तो ब्रॉड डेड आया है, वो तो पहले से ही वहाँ ख़त्म था इमरजेंसी में। वो बाकी 5 एडमिशन्स हुए हैं यहाँ ICU में और सबको हेड इंजरी है। एक को हमने काफ़ी रिससिटेशन करके उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखा बट फाइनली ही एक्सपायर्ड। और बाकी एक को TTU पे रखा हुआ है, उसको भी वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा जो है उसका भी थाई और लेग फ्रैक्चर है, हेड इंजरी है, क्रिटिकल है। एक और है उसको काफ़ी ज़्यादा खून की उल्टी हुई है और वो भी शॉक में गया है और हेड इंजरी है उसको, ही इज़ वेरी क्रिटिकल। तो हाँ, जो भी लोग हैं सारे मतलब ऑल आर क्रिटिकल एंड वी आर गिविंग लाइफ सपोर्ट्स। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट से लेके सब कुछ। सर, लाइफ से जो लोग आए हुए इनके साथ इन्होंने क्या बताया, कितने लोगों की वो ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास तो 6 लोग ही आए थे पर कहीं पता चला कि बस और कहीं स्कॉर्पियो में कुछ कोलिजन हुआ और एक ही साथ बहुत सारे लोग घायल, कोई सदर में भी है शायद, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अभी तक जानकारी में तो स्कॉर्पियो में जितने लोग बैठे थे, स्कॉर्पियो में 8 लोग बैठे थे, सबका स्थिति गंभीर है। अभी 2 लोग का जानकारी है, जितने लोग स्कॉर्पियो में बैठे थे 2 लोग, एक बॉडी जब आया था यहाँ पे तो डेथ हो गया था और एक यहाँ इलाज के दौरान डेथ हुआ है। अच्छा, कैसे क्या घटनाक्रम? कृष्णा धरहरा से ये लोग बारात लेके जा रहे थे भियां, लड़के की शादी थी, बारात भियां जा रहे थे। सारे घर के जिनके घर शादी थी घर के ही लोग थे और कृष्णा ब्रह्म रोड पे नुआव के पास बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हुआ और गंभीर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं और बहुत लोग डेथ भी हुए हैं। जब कुल कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक मेरे जानकारी में? पूरे हादसे में अभी तक मेरे जानकारी में 2 लोग यहाँ, अभी VK ग्लोबल हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि यहाँ से 2 लोग की डेथ हुई है, बाकी 2 लोग का सदर अस्पताल से सुनने में आ रहा है और 1 लोग स्पॉट डेथ किए थे घटनास्थल पर ही। तो घायलों में इस जो ये परिवार जो है, इनके परिवार से कुल 4 लोग, इनके परिवार से अभी तक 2 लोग डेथ हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है। बारात में यही स्कॉर्पियो, बाकी बस वाले लोगों की जानकारी नहीं है। हम लोग जो बारात वाले लोग हैं उनके जानने वाले हैं, बाकी लोगों की अभी जानकारी नहीं हुई है। क्या नाम है? मेरा सुप्रभात गुप्ता बिट्टू नाम हुआ।